आज हम जीके में चैप्टर 37 स्ट्रेंज साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। गिवन बिलो आर द डिस्क्रिप्शन अबाउट सम स्ट्रेंज बट ग्रेट साइंटिस्ट, रीड अबाउट देम एंड राइट देयर क्लेम्स विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स। ही वॉज अ पॉलिश एस्ट्रोनॉमर हु बिलीव दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द स्टेशनरी सन। All his astronomical observations were undertaken without the use of a telescope. The telescope was invented in 1608, 65 years after his death. ये निकोलस कैप्रिकनस थे जिनका मानना था कि अर्थ की चार अर्थ के अलावा बाकी जो सभी ग्रह हैं, अर्थ और बाकी सभी ग्रह जो हैं वो सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। बिना टेलीस्कोप की मदद से ये इन्वेंशन इन्होंने की थी। नेक्स्ट, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु प्रिटेंड मोर देन थाउजेंड इन्वेंशन इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब एंड इलेक्ट्रिक जनरेटिंग सिस्टम साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस एक्सेट्रा। व्हेन ही वॉज 12 ही बिगेन सेलिंग न्यूज़पेपर्स ऑन द ग्राउंड ट्रंक रेलवे इन ऑर्डर टू बाय बुक्स एंड केमिकल apparatus. He used to sit in dark cupboard to think about all his best ideas. इनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने थाउजेंड से भी ज़्यादा inventions किए थे, electric light bulb, electric generating system, sound recording devices etc. इनके अलावा भी 12 साल की उम्र में इन्होंने newspaper बेचना, books बेचना शुरू कर दिया था, chemical के बारे में research करनी शुरू कर दी थी, और ये अपने ideas जो थे वो dark cupboard में बैठ कर सोचा करते थे। Now next one is, he was a best biologist who developed the theory of natural selection to explain the development or evolution of animal including the human beings. He was not clever at school but he was keen on nature. He left medical school as he did not like dissection or surgery and felt sick at the sight of blood. Blood ko dekh kar ye bimar pad jate the aur inhone ये बहुत ज़्यादा क्लेवर भी नहीं थी स्कूल टाइम में, लेकिन इन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए एनिमल इवोल्यूशंस को लेकर, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स को लेकर। नाम था इनका चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट वन इज, ही वाज वन ऑफ फ्यू साइंटिस्ट इन हिस्ट्री हु अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। ही डिस्कवर्ड द 8 डिफरेंट गैसेस, इन्होंने 8 डिफरेंट गैसेस को डिस्कवर किया था इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। ही डिस्कवर्ड दैट द रबर कैन बी यूज टू इरेज द पेंसिल मार्क। इन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि रबर से पेंसिल मार्क्स को इरेज कर सकते हैं। जोसेफ प्रिस्टली नाम था इनका। नेक्स्ट वन इज, ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट हु गिव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। The famous equation E is equal to mc square was introduced by him. इन्हीं के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। He was unusual child who did not start talking until he was 3 years old. ये 3 साल तक ये कुछ नहीं बोलते थे। At school he was found the lesson boring. इनको स्कूल में जो शिक्षा दी जाती थी या जो भी पढ़ाई होती थी वो बोर लगती थी। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रिक्ट टाइम टेबल ऑफ स्कूल। स्कूल के स्ट्रिक्ट टाइम टेबल्स को ये पसंद नहीं करते थे। हिज टीचर टॉट हिम लेजी, इनके टीचर्स इनको लेजी बोलते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम था इनका। नेक्स्ट वन इज, ही गेव द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी द लॉ ऑफ मोशन। ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इक्वायरिंग अबाउट द नेचर ऑफ लाइट एंड कलर्स। ही वॉज नॉट गुड एट स्कूल, हिज मदर टॉट दैट ही माइट डू वेल इन फार्मिंग। But uncle noted his intelligence and he persuaded his mother to send him back to school. ये universal law जो था gravity का इन्होंने invention किया था, motion of law इन्होंने invent किया था, and बहुत सारे experiment किए इन्होंने nature of light और colors को लेकर। इन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इनकी मम्मी कहती थी कि ये फार्मिंग करेंगे आगे चल के, बट इनके अंकल ने इनके इंटेलिजेंस को नोटिस किया और इनको वापस स्कूल भेजा। इनका नाम था इसाक न्यूटन। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 38 कलरफुल बटरफ्लाइज। बटरफ्लाई आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल क्रिएचर ऑन द अर्थ। दे अट्रैक्ट एवरीवन विद देयर ब्यूटी एंड कलर।
बटरफ्लाई सभी को बहुत पसंद होती है बिकॉज दे हैव मैनी कलर्स इन देयर विंग्स. आपको इसमें कुछ बटरफ्लाइज के बारे में बताया गया है. गिवन बिलो आर द सम बटरफ्लाइज फाइंड आउट देयर नेम फ्रॉम द क्लू बॉक्स. फर्स्ट वन इज दिस बटरफ्लाई इज वन ऑफ द मोस्ट आई कैचिंग क्रिएचर इन द यूके. इट्स ब्राउनिश रेड विंग एंड फोर स्टनिंग आई स्पॉट्स रिसेंबल विद द resemble with the tail feathers of the peacock. It is used them to frighten predator. Naam hai iska peacock butterfly, like a looking like peacock, that's why we call it peacock butterfly. Now next one is this milkweed butterfly is commonly known as North American butterfly. It has bright orange and black patterned wing with a white spot on the outer margin. Name hai iska monarch butterfly. This is now next one is this butterfly has a distinctive marking on marking of the black and white strips on its wing. It make a creak sound when threaten or bother it brand together at night in large group. Naam hai iska zebra butterfly, look like zebra. Next, this beautiful butterfly is migratory species which can be seen in the suburban garden in springs. It has a delicate pattern of orange and brown. This orange and brown on upper wings and has a pale brown under wings. It has blue spot on hind wings. Blue spots hind wings. Painted lady naam hai is butterfly ka. Now these are some other butterflies. Question is given below are some butterflies. Write their correct name with the help of clue box. First is mein paper kite. Next is Julia. Third one is sulfur. Fourth is Atala. And fifth is clipper. These are some other butterflies. आपको ऐसा ही करना है जैसे इसमें chapter में दिया हुआ है, ऐसे ही आपको अपनी copy में करना है. Now next chapter is Chapter 39, First in Sports. Here are some sport persons who are first in their sports. The name of the sport person have been interchanged in these statements. Cross the incorrect and write the correct name of these respective statement. First is in 2008, Mihir Sen, called Mikhail Perfil, became the first person to win 8 gold medal in same Olympics. Now next question is, in 1980 Sachin Tendulkar, Prakash Padukone was the first Indian badminton player to win the Britannicus all the England championship. Next, in 1956 Mikhail Perfil Phillips, Jim Slater took the 10 wicket in a test match inning of Australia and finished with 19 wickets in the entire match. Next, in 2005, Roger Bannister, Naren Kattarian became the first Indian Formula One motor racing driver. Next is, in 2010, Narayan Kattarian, Sachin Tendulkar became the first cricketer to score 200 run in an ODI. Next, in 1954, Jim Slater, Rogan Bannister became the first person to run 1 mile, 1.6 kilometer, that is under 4 minutes. Next, in 1958, Prakash Padukone
मिहिर सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश कैनल फ्रॉम डोवर इन इंग्लैंड टू कैलिस इन फ्रांस. ये नेम दिए हुए हैं आपको स्पोर्ट पर्सन के, इधर नीचे दिया हुआ है आपको, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं. नाउ आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट द वेरियस स्पोर्टिंग टीम. विच टीम इज द फर्स्ट टू विन 5 फीफा वर्ल्ड कप? ब्राज़ील. विच टीम वॉज द फर्स्ट टू विन द इंग्लिश प्रीमियर लीग 20 टाइम्स? मैनचेस्टर यूनाइटेड. विच टीम वॉज द फर्स्ट टू विन द रणजी ट्रॉफी 40 टाइम्स? मुंबई. Which team was the first to win the ICC T20 World Cup? India. ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आपको अपनी कॉपी में करना है क्लास. थैंक यू.